गाइज, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे बिजनेस के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कैसे एक वाउचर को देख के डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की पहचान की जाती है। तो मैं मनु सुथार स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग RSNR में। गाइज, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लीजिए। तो गाइज़, अगर आप अकाउंट्स के बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हो और अपना अकाउंटिंग फील्ड के अंदर अपना प्रैक्टिकली बेस मजबूत करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अकाउंटिंग को स्टेप टू स्टेप सीखने के लिए हमारे चैनल पे जाके पुराने वीडियो जरूर देखिए जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो गाइज़, शुरू करते हैं आज का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या चीज़ होते हैं प्रैक्टिकल के साथ। तो गाइज, अगर हम बात करें कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या फ़र्क होता है, तो गाइज़ ये हमारे दोनों बिजनेस के पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो गाइज़, अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो गाइज़, अगर हम मोटे तौर पे अगर इसकी परिभाषा समझे भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या चीज़ होती है, तो अगर ऐसा कोई खर्चा जो किसी सामान की कीमत को प्रभावित करता हो, यानी कि उसकी कॉस्ट के अंदर इफेक्ट डालता हो या उस कॉस्ट के प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट डालता हो, तो उस टाइप का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो गाइज, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है राम एंटरप्राइजेस का। हमने राम एंटरप्राइजेस से सामान खरीदा था, शुगर 10 क्विंटल 3210 रुपये के हिसाब से 32100 रुपये की, और गाइज उसने हमको 200 रुपये का फ्रेट चार्ज एड किया है इनवॉइस के अंदर, और टोटल जो इनवॉइस बनी है नेट इनवॉइस है वो 32300 रुपये, 200 रुपये इसके कॉस्ट में ऐड कर दिए। तो गाइज, अब इस टाइप का खर्चा क्या हुआ, ये हमारी शुगर की कॉस्ट को प्रभावित कर रहा है, यानी कि उसके कॉस्ट को बढ़ा रहा है। अब इसका मतलब गाइज, अब हमको इसको ये समझेंगे कि हमको जो शुगर 3210 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से आनी थी, अब वो हमें किस हिसाब से मिली है, 3230 रुपये की, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे भी इसके अंदर जो खर्चा है वो हम इसकी कॉस्ट में ही जोड़ेंगे। तो गाइज, इसका मतलब ये हो गया भी इसने इसकी कॉस्ट को प्रभावित किया, यानी कि कॉस्ट पे इफेक्ट डाला है। तो इस टाइप के खर्चे होते हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो गाइज, इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है भी अगर कोई भी खर्चा इनवॉइस के अंदर अगर ऐड होके आता है तो उस खर्चे को हम अलग से शो नहीं करते, यानी कि हमारी बुक्स के अंदर उसका अलग से कोई भी लेजर हम क्रिएट नहीं करते। तो गाइज, बहुत सारी ऐसी कंडीशन में होता है हम गुड्स परचेज करते हैं लेकिन जो फ्रेट चार्जेज होता है वो हमारा इनवॉइस के अंदर एड होके नहीं आता, उस खर्चे का भुगतान हमें अलग से पे करना होता है ट्रांसपोर्टर को। गाइज, अगर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब जैसे मान लो श्री श्याम राम इंटरप्राइजेस हमने सामान परचेज किया था और उसने मैंने 200 रुपये इनवॉइस के अंदर एड नहीं किए, जैसे यहाँ पे तो इसने एडवाइस कर रखे हैं लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि इसने यहाँ पे एड नहीं किए, इसको हम अगर हटा देते हैं तो इसका मतलब ये एड नहीं है और गुड्स की जो टोटल कीमत है वो 32100 ही है, और ये जो 200 रुपये हम अलग से पे करेंगे ट्रांसपोर्टर को, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, तो क्या उस कंडीशन में हम अलग से हमारा बिजनेस का वाउचर हम तैयार करेंगे, डेबिट नोट, जिसको हम सेल्फ मेड वाउचर भी बोल देते हैं। तो क्या इसमें क्या लिखेंगे, पेमेंट टू ABC ट्रांसपोर्ट कंपनी, यानी कि हम भुगतान किसको कर रहे हैं, ABC ट्रांसपोर्ट कंपनी को, तो हम ABC ट्रांसपोर्ट कंपनी को यहाँ पे पेमेंट टू के अंदर लिखेंगे और उसको हमने नगद भुगतान किया है, और नरेशन में हम इस चीज़ को ये लिख देंगे भी शुगर फ्रेट पेड भी, वो जो है जो 200 रुपये जहाँ भुगतान कर रहे हैं वो जो हमने शुगर मंगाई थी राम इंटरप्राइजेस से उसके अगेंस्ट में हम ये पेमेंट कर रहे हैं। तो गाइज, इस टाइप के खर्चे वो डायरेक्टली उसकी कॉस्ट को इफेक्ट कर रहा, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा हो गया। तो गाइज, अगर इसके हम बात करें इसकी जर्नल एंट्री हमारी क्या बनेगी, हम इसको ये नहीं करेंगे भी ABC ट्रांसपोर्ट अकाउंट कंपनी डेबिट टू कैश, नहीं, हम इसको करेंगे शुगर फ्रेट अकाउंट डेबिट, इसके हम डायरेक्ट एंट्री यही बनाएंगे शुगर फ्रेट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो भाई ये अपने ABC ट्रांसपोर्ट कंपनी को डेबिट नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमने ABC ट्रांसपोर्ट से पैसा लेना नहीं है, हमने शुगर फ्रेट के अगेंस्ट हमने इसको भुगतान किया है। तो गाइज, इस टाइप के जो खर्चे होते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेकिन गाइज, बहुत सारी ऐसी कंडीशन भी होती है जब हम किसी पार्टी से हम गुड्स परचेज करते हैं तो एक ही इनवॉइस के अंदर हम अलग अलग टाइप के
आइटम हम परचेज कर लेते हैं। जैसे ये हमने बालाजी ट्रेडिंग कंपनी से ये कुछ सामान परचेज किया, उसके अंदर हमारी शुगर भी हमारी परचेज है और इसके अंदर हमारी दाल भी है और राउस भी है। तो गाइज इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब बालाजी ट्रेडिंग कंपनी ने भी इसको फ्रेट चार्ज किया हमसे 1,000 रुपये, यानी कि उसने इनवॉइस के अंदर ऐड कर दिया 1,000 रुपये। तो एक्चुअल में सामान की कीमत थी 61,604 रुपये, अब 1,000 रुपये इसकी चार्ज और ऐड हो गया, इसके अंदर अब टोटल कॉस्ट होगी 62,604 रुपये। लेकिन गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी कॉस्ट की, तो ये 1,000 रुपये पर्टिकुलर किसी एक आइटम की कॉस्ट पे इफेक्ट नहीं डाल रहा, बल्कि तीनों पे डालेगा। क्योंकि हमने जो 1,000 रुपये पे किया पर्टिकुलर, हम ये नहीं कह सकते भी हमने ये शुगर के अगेंस्ट किया है या पर्टिकुलर किसी दाल के अगेंस्ट किया है या पर्टिकुलर राइस के अगेंस्ट किया है। हमने तो पूरा एक ट्रांसपोर्टेशन को चार्ज किया, उस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमारी तीनों टाइप की आइटम हमारे पास आई थी। तो गाइज इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस 1,000 रुपये को यानी कि 1,000 रुपये को हम इनकी तीनों की कॉस्ट के अंदर हम डिवाइडेशन कर देंगे, यानी कि 333 रुपये और 33 पैसे हमारे पास है एक की कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा। हम तीनों के अंदर प्लस करते जाएंगे तीनों में, क्योंकि डायरेक्ट हम इसका अलग से तो हम कोई लेजर इसका क्रिएट हम करेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंसेस है जो वाउचर के अंदर इंक्लूड होके आया है ऑलरेडी। तो गाइज चाहे आप मैनुअली बुक्स करो मेंटेन कर रहे हो तो भी आप अलग से लेजर क्रिएट नहीं करोगे। अगर आप कोई कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो टेली या बिजी किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, तो भी आप इसका अलग से लेजर क्रिएट नहीं करोगे। तो गाइस मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपका कोई भी किसी टाइप का कोई सुझाव हो या कोई इंक्वायरी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना गाइस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसिस की कहानी हमें समझ ली, अब बात करते हैं हम हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस की। तो गाइस इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस क्या होती है, यानी कि अप्रत्यक्ष खर्चे, इसका मतलब व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए खर्चे, यानी कि ऐसे खर्चे जो हमने बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए खर्चे किए। गाइज आपने जैसे किसी भी प्रोडक्ट को आपने सेल करना है तो आपने उसका न्यूज़पेपर में या किसी सोशल मीडिया पे या किसी टीवी के अंदर आपने एडवर्टाइजमेंट उस प्रोडक्ट का किया है, तो आपका बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, यानी कि उसके विज्ञापन का आप खर्चा कर रहे हो, तो आपका एडवर्टाइज एक्सपेंस है। अगर आपको बिजनेस के अंदर ग्रोथ करनी है तो आपको एम्प्लॉयज भी ज़्यादा रखने पड़ेंगे, तो आपको सैलरी भी पे करनी पड़ेगी। अगर आपको ज़्यादा बिजनेस की ग्रोथ करनी है तो आपको गोडाउन वगैरह भी आपको रेंट पे लेने पड़ेंगे, तो उनका भी अपने गोदाम का किराया भाड़ा हमको पे करना पड़ेगा। हमारे बिजनेस के जो जनरल एक्सपेंसेस होते हैं वो भी हमें पेड करने होते हैं, चाहे एक्सपेंसेस के वगैरह के कन्वेंसेस के एक्सपेंसेस वगैरह हो गए, हमें वाटर इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस भी पे करने होते हैं, ट्रेवलिंग के खर्चे भी हमें पेमेंट करने ऐसे खर्चे में करने होते हैं, यानी कि ऐसे खर्चे जो बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए किए जाते हैं। वैसे अगर हम इस टाइप के अगर खर्चे करेंगे नहीं करेंगे हमें, तो हो सकता है हमारा बिजनेस है उतना ग्रो नहीं कर पाएगा जितना ये एक्सपेंसेस करने के बाद करेगा। तो गाइज ये हमारा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो गाइज अब हम इसको गुड्स की प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस से, अगर वो हमारे इनवॉइस के अंदर ऐड होके आता है तो क्या फर्क पड़ता है, अगर वो हमारे इनवॉइस के अंदर ऐड होके नहीं आता है तो हमारे उसके गुड्स के ऊपर प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ता है, इसको हम एक लाइव प्रैक्टिकल से समझते हैं गाइज। तो गाइज यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दो ट्रेडिंग अलग अलग टाइप के ट्रेडिंग अकाउंट बनाए गाइज। वैसे ग्रॉस प्रॉफिट क्या चीज़ होता है, नेट प्रॉफिट क्या चीज़ होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ये हम केवल एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की परिभाषा को समझने के लिए हमने एग्जाम्पल तैयार कर रहे हैं ये प्रैक्टिकली तौर पर। गाइज ये जितना भी हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं ये रियल प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के अंदर ये मेंटेन होती है, हम एक जो कोई बुक्स की बात नहीं कर रहे, जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो होता है किसी भी कंपनी में, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड किसी भी नॉर्मल फर्म पे एक भी अगर जिसे काम होता है उसका हम एग्जाम्पल तैयार कर रहे हैं। तो गाइज हमने दो फॉर्मेट अलग अलग टाइप के तैयार किए यहाँ पे, एक लिखा है इफ एक्सपेंसेस नॉट एड इनवॉइस, अगर आपका खर्चा इनवॉइस के अंदर एड नहीं है तो आप क्या करोगे, अगर एक्सपेंसेस एड इन इनवॉइस, अगर आपके बिल के अंदर यानी कि आपकी इनवॉइस के अंदर फ्रेट चार्जेस या कोई लेबर वगैरह किसी भी टाइप का कोई खर्चा एड होके आया है तो आपकी गुड्स के प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो गाइज यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो हमने 10 पेन परचेज करे हैं किसी कंपनी से और एक पेन की कीमत है 10 रुपये, तो गैस हमारी नेट कीमत कितनी होगी, परचेज कितनी होगी हमारी 100 रुपीज़ की। तो गैस इसी को हमने सेल कर दिया है, हमारा 7 पेन हमने सेल कर दिए और पर पेन को हमने 20 रुपये के हिसाब से हमने इसको सेल किया है, तो गैस टोटल हमारी सेल होगी 140 की, यानी कि 140 रुपये की। तो गैस अब अगर बात करें हम भी हमारे पास स्टॉक कितना बच गया,
तो कैसे बात, हम 10 पेन हमने परचेज किए थे, उसमें से 7 हमने सेल कर दिए, तो 3 पेन हमारे पास स्टॉक में बचे होंगे। अब 3 जो स्टॉक पेन हमारे पास बचे हुए हैं, इसकी वैल्यू हम क्या मानेंगे? हम ये मानेंगे बीमारी लागत मूल्य है, यानी कि कोई भी क्लोथिंग स्टॉक की वैल्यू होती है उसके लागत मूल्य पे ली जाती है, लास्ट परचेज कॉस्ट पे। तो हमने लागत हमारी क्या आती, 10 रुपये की, तो हम ये मानेंगे भी 10 रुपये हमारी पर पेन हमारी लागत आ रही है। तो हम ये मान के चलेंगे हमारा 30 रुपये का स्टॉक हमारे पास है पड़ा है। तो गाइस 140 रुपये का हमने सेल कर दिया, 30 रुपये का स्टॉक अभी भी हमारे पास पड़ा है, तो 170 रुपये का टोटल हमारे पास है आ गया। अब इसके अंदर गाइस हम ये कह रहे हैं भी, हमने जब इस 100 रुपये जब का हमने पेन परचेज किए थे, उसके अंदर हमने 5 रुपये का किराया भाड़ा भी पे किया हुआ है, यानी कि ट्रांसपोर्ट को हमने किराया भाड़ा पे किया था, अलग से पे किए, इनवॉइस के अंदर जुड़ के नहीं आया वो, हमने डेबिट नोट के थ्रू या उस ट्रांसपोर्टर से उनके जो उसने वाउचर दिया उसके थ्रू हमने इसको भुगतान किया है, और हमने इसको 5 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन पेड किया है। तो गाइस अगर प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो हमारा प्रॉफिट अब कितना रहेगा? तो गाइस प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, भी सेल और स्टॉक की कीमत जोड़ दी जाती है, उसके अंदर माइनस के अंदर उसकी खर्चे और उसकी जो लागत है वो घटा दी जाती है। अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास एक्सपेंसेस है, जो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आया हमारा 65 रुपये का प्रॉफिट आएगा इस, क्योंकि अगर हम प्रॉफिट अगर फ्रेट अगर हमने नहीं पे किया होता तो हमारे पास 70 रुपये का आ जाता प्रॉफिट। अब अपने जो 5 रुपये का जो प्रॉफिट डायरेक्ट खर्चा जो किया है फ्रेट का, वो हमारी डायरेक्ट इसकी ग्रॉस प्रॉफिट को कम कर रहा है, यानी कि इसकी प्रॉफिट पे इफेक्ट डाल रहा है, अगर ये हमारा एक्सपेंस ऐड नहीं है। तो गाइस ये एग्जांपल अगर हम इधर हम बात करें भी, अगर इनवॉइस के अंदर ऐड हो गया था, जैसे ये फ्रेट है, ये फ्रेट हमने अलग से पे न करके ये हमारी कॉस्ट में जुड़ के आ गया है 100 रुपये और प्लस 5 रुपये, तो गाइस फिर हम उसकी कॉस्ट हम क्या मानेंगे, डायरेक्टली 105 रुपये ही मानेंगे, फिर 100 रुपये नहीं मानेंगे, क्योंकि अलग पहले भी मैंने बताया था अगर कोई भी ऐसा खर्चा जो आपकी इनवॉइस के अंदर ऑलरेडी ऐड हो गया है तो उसका अलग से लेजर क्रिएट नहीं होता। तो इस कंडीशन में अब हमको कॉस्ट क्या आ गई, 10 रुपये और 50 पैसे पर पेन। तो गाइस अगर इसी को हम मान लें कि हमने 7 पेन हमने सेल कर दिए हैं 20 रुपये के हिसाब से, तो कितने रुपए की सेल होगी, 140 रुपये की सेल होगी। अब स्टॉक कितना बचा हमारे पास, 3 पेन का। अब 3 पेन की वैल्यू क्या मानेंगे, 10 रुपये और 50 पैसे, क्योंकि हमारी लागत मूल्य यही थी गाइस। अगर हम 10 रुपये 50 पैसे अगर इसकी हम वैल्यू मानते हैं तो हमारे पास स्टॉक कितना बचता है, 31 रुपये और 50 पैसे का। तो गाइज अगर अब इसके अंदर हमने हमारा प्रॉफिट अगर हम निकाल के देखें तो हमारा प्रॉफिट क्या आएगा, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जोड़ दी जाती है, उसके अंदर आपका कोई खर्चा या कोई आपकी जो भी लागत है वो घटा दी जाती है। तो गाइज यहाँ पर आपका प्रॉफिट आ गया 66 रुपये और 50 पैसे। तो गाइज अगर हम बात करें तो सेल हमारी बिल्कुल बराबर है, परचेज हमारी बराबर थी, खर्चे भी यहाँ पे बराबर थे, लेकिन यहाँ पे जो इफेक्ट पड़ता है वो आपके स्टॉक के ऊपर फर्क पड़ता है गाइज। अब यहाँ पे तो स्टॉक हमने 30 रुपये का माना था क्योंकि हमारे पास इनवॉइस है जो 10 रुपये के हिसाब से ही आया था, और 10 रुपये के हिसाब से हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल दी, और यहाँ पर हमारे पास जो खर्चा था वो बिल के अंदर इंक्लूड था, तो हमने वो उस खर्चे को उसके कॉस्ट में जोड़ दिया। हम ये मानेंगे अब जो पेन थे हमारे पास 10 पेन है, वो हमको 100 रुपये की बजाय 105 रुपये के हमारे पास आए हैं, और 105 है तो 10 रुपये 50 पैसे एक ही कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ा, और उसी इफेक्ट के हिसाब से हमने क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया। तो गाइस जहाँ पे ये जो डिफरेंस है 1 रुपये 50 पैसे का, वो 1 रुपये 50 पैसे का एक डिफरेंस यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में ही आएगा। यहाँ पे हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं बढ़ाई थी, और यहाँ पे हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दी, क्योंकि यहाँ पे फ्रेट हमने अलग से शो किया है, इसका लेजर हमारी बुक्स में अब अलग से क्रिएट होएगा, और यहाँ पर अब कोई फ्रेट का चार्ज हमने अलग से नहीं किया क्योंकि वो हमने इसकी डायरेक्ट इसके कॉस्ट के अंदर ही जोड़ दिया। तो गाइज आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। किसी टाइप का सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ।